हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको करवाने वाला हूँ रीजनिंग नंबर सीरीज। तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद जो भी कोई किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ले आया हूँ आपके लिए रीजनिंग। तो रीजनिंग भी आपको मैं हर एक 3 या 4 दिन बाद आपके लिए एक वीडियो आएगा रीजनिंग का, जिसमें आप पढ़ सकते हैं इजिली। रीजनिंग में सबसे पहले हम करने वाले हैं नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। आपने घर पे खुद भी क्वेश्चन बनाने हैं साथ साथ, कि इस तरह से इस पैटर्न के साथ क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने जो आपके लिए रीजनिंग में सबसे पहला क्वेश्चन तैयार किया हुआ है 7, 10, 8, 11, 9, 12, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन दिया है। आगे बोलता है व्हाट नंबर शुड नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर में क्या आएगा, 7, 10, कितने का गैप है भाई यहाँ पे, 3 का। फिर उसके बाद कितने का है, 2 का। फिर कितने का है, 3 का। फिर कितने का है, 2 का। फिर कितने का है, 3 का। अब कितने का आएगा, 2 का। तो देखो 7 + 3 कितना होता है, 10। 10 - 2 कितना होता है, 8। 8 + 11 कितना होता है, 8 + 3 कितना होता है, 11। 11 + 2 कितना होता है, 11 - 2 कितना होता है, 9। 9 + 3 कितना होता है, 12। और यहां पे देखो क्या पैटर्न बना, +3 - 2 + 3 - 2 + 3 - 2। तो 12 - 2 कितना आ गया, 10। तो आपका आंसर कितना है, 10। बड़ा बहुत ज्यादा इजी है, अगर आप आसानी से इसको कर सकते हैं। वैसे इसके बीच का अगर आपको पैटर्न पता लग रहा है, कई जगह डायरेक्टली नहीं दिखेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 2 3 2 इस तरह से दिख रहा है, तो इजी है करने के लिए। कई क्वेश्चंस में इजीली पैटर्न नहीं बनेगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। तो स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट देखो 2, 3, 7, 17, 31, 53। देखो भाई वीडियो को पॉज करो और करने की कोशिश करो, अगर हो सकता है तो बेटर है, नहीं होता तो ये देखो यहाँ पे 2, 3, 7, 17, 31, 53 यहाँ पे कुछ है। प्राइम नंबर्स की नॉलेज अगर आपको है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या हुआ, अभाज्य संख्याओं का मतलब है ऐसी संख्याएं जो किसी से भी भाग नहीं हो सकती। ऐसी संख्याएं जो किसी से भी भाग नहीं हो सकती, ऐसी संख्याएं जो किसी से भाग नहीं हो सकती उनको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1, एक वो अपने आप। जैसे मान लो 2 है, 2 को या तो आप 1 × 2 कर सकते हैं या फिर 2 × 1 कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते इसको। मतलब इसका फैक्टर एक 1 हो गया, एक क्या हो गया, 2। फिर 3 को क्या कर सकते हैं, 1 × 3 कर सकते हैं या 3 × 1 कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर भी कितने हुए, 2। तो ये दोनों क्या बन गए, आपके प्राइम नंबर्स बन गए। इस तरह से कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर है, या तो 1 से होता हो या फिर अपने आप से होता है। तो यहाँ पे वही लॉजिक लगेगा, 2 और 3 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है, कोई भी नहीं है। 2 के बाद सीधा 3 प्राइम नंबर होता है, 3 के बाद क्या आता है, 5, 5 के बाद 7 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे देखो 0 प्राइम नंबर्स है इनके बीच में, यहाँ पे कितने प्राइम नंबर्स है, 1। यहाँ पे कितने प्राइम नंबर्स है, 2। कौन कौन से, 7 के बाद कौन सा आता है प्राइम नंबर, 11। 11 के बाद क्या आता है, 13। तो 11 और 13 इसके बीच 2 प्राइम नंबर्स का गैप है। यहाँ पे कितने हो गए, 3। अब काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे 4 प्राइम नंबर्स हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 5 प्राइम नंबर्स का डिफरेंस होगा। 5 कौन कौन से हो गए, देखो 53 के बाद क्या आएगा, 59 आपका प्राइम नंबर है, 61 आ जाएगा, 67 भी आ जाएगा, 71 भी आ जाएगा। कितने हो गए, 59 61 67 71 73। ठीक है, तो ये सारे कितने आ गए, प्राइम नंबर्स आ गए इनके बीच। देखो यहाँ 0 प्राइम नंबर का गैप था या 1 प्राइम नंबर था बीच में, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितने प्राइम नंबर का डिफरेंस होगा, 5 का। तो 5 कौन कौन से, ये सारे 5, 1 2 3 4 5। 73 के बाद 5 को छोड़ के नेक्स्ट कौन सा आएगा, 79। तो इसका आंसर क्या होगा, 79। अब नेक्स्ट देखो भाई 36, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्राइम नंबर्स वाला, प्राइम नंबर्स के लिए यहां से देख लो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, अभाज्य संख्या कौन सी होती है। फिर उसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 36 34 30 28 24। देखो भाई ये तो सीधा सीधा पता लग रहा है, देखो 36 और 34 के बीच में क्या है, -2 है कि नहीं है, -2 है। फिर उसके बाद क्या है, -4। फिर क्या है, -2। फिर क्या है, -4। फिर क्या होगा, -2 होगा। तो
तो कितना आ जाएगा ये 22, तो इसका आंसर कितना होगा 22 होगा। नेक्स्ट देखो भाई 16, 22, 40, 78, 144, देखो इसको फिर से पॉज करो वीडियो को और ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो अगर होता है आपसे तो, अदरवाइज यहाँ पे देखो 16 और 22 के बीच में कितना डिफरेंस है 6 का, यहाँ पे कितने का है जल्दी जल्दी भाई कितना आ गया 18, देखो ना 22 रट हो गया 30, 30 10, 40, देखो 40, 30, 70, 38 का चला गया भाई, 70 और 78 हो गया, फिर उसके बाद कितने का चला गया 78 और 2 हो गया 80, 80, 20, 22 का डिफरेंस, 22 और 40 कितना हो गया भाई 66, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस जाएगा नो आइडिया, किस तरह से बता सकते हैं आप नहीं बता सकते। तो इस टाइप की सीरीज जिसमें आपके पास फर्स्ट जो आप लगा रहे ये वाला स्टेप इससे कुछ ना आए, तो उसमें नेक्स्ट में देखना हमने 6 और 18 के बीच में कितना डिफरेंस है भाई 12 का, फिर कितने का है 20 का, फिर कितने का है 2, कितना आएगा 16 - 8, 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 28। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा भाई, यहाँ पे देखना आराम से, 12, 12 + 20, 20 + 28, 28 + 8 कितना हो गया भाई 36, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए अपना 66 + 36 कितना हो गया 6 × 6 = 12, 6 × 3 = 9, 1 = 10, 102। तो 102 जब इसमें ऐड कर देंगे क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 146। तो देख लो इसको ध्यान से, 36 था, 66 + 36 = 102, 102 + 246, तो कितना बन गया 246, ये और ये ऐड हो गए। देखो यहाँ पे इसमें ये ऐड किया, ये 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 आ गया आपके पास। बट इसमें इस टाइप के क्वेश्चन था, इसमें दो बार आपको चेक करना था, मोस्ट प्रोबेबली इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, किसी भी टाइप के पेपर की तैयारी आप कर रहे हो तो इसको पैरामिड सीरीज टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पैरामिड मतलब जिसमें आपको नीचे नीचे आना है, नीचे नीचे नेक्स्ट स्टेप में ध्यान देना। देखो मैंने इजी वाले भी बताया आपको, ये और ये आपका बहुत इजी था, इसमें थोड़ा सा प्राइम नंबर से रिलेटेड था, इसमें पिरामिड सीरीज का लग रहा है आपको, मतलब आपको एक के बाद कोई पता नहीं लग रहा है कि कौन सा पैटर्न लग रहा है, तो आपको नेक्स्ट पैटर्न का यूज करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए हो गए नंबर सीरीज के 4 क्वेश्चंस, तो इसको ध्यान से करना। एक मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं, वो भी देख लो, रीजनिंग का ये है जिसको हम कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। थोड़ा सा आपको अगर आइडिया हो जाए इन चीजों का तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है मोस्ट प्रोबेबली इसमें कई बार बच्चा कहां कंफ्यूज हो जाता है, अल्फाबेट की उसको नॉलेज नहीं होती, अल्फाबेट जो लेटर्स होते हैं किस नंबर पे कौन से वाला लेटर आता है, ठीक है। तो वो याद रखने के लिए एक तरीका बताता हूं मैं, तो कुछ तरीके आपके पास हो गए आप कमेंट में बता देना मुझे, मैं अपना तरीका आपको बताता हूं। देखो ए सबको पता 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है, ई किस पे आता है 5। भाई देखो इतने तो आपको याद रह जाते हैं कि पहले ए बी सी डी एंड ई किस नंबर पे आते हैं, फिर नेक्स्ट जो होते हैं वो आप भूलते जाते हैं। तो अगर एकदम याद रखने हैं तो क्या रख सकते हैं आप, जैसे मान लो एफ किस पे आता है भाई, एफ के लिए हम क्या रख सकते हैं यार, फिक्स, फिक्स का मतलब किस पे आता है 6। अब जी, जी क्या है ग्रेट नंबर, भाई याद रख लो आज से ग्रेट नंबर क्या है 7 आपका ग्रेट नंबर है, ठीक है। थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा एक पैटर्न बनेगा जिससे आप याद रख सकते हैं, फिर आपको बार बार उस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन आ गया आप डायरेक्टली उसको कर सकते हैं। H, H से क्या बनेगा हेट, क्या बनेगा हेट, हेट बोले तो 8, तो 8 आठवें नंबर पे आपका क्या आएगा H। I, Q,
कुछ चीजों का मेरे पास पैटर्न नहीं है, आई नाइन पे याद रखना आपने, ठीक है। आई नाइन की तरह मतलब इसमें क्या हो गया, आई में थोड़ा सा ऐसे लगा दो, नाइन बन गया। बट अगर आपके पास कोई पैटर्न हो इसको याद रखने का, आप बता सकते हैं कमेंट में। जे भाई बहुत ज्यादा फनी है, जे जोकर, जे क्या हो गया, जोकर। जोकर कौन होता है भाई, दस नंबरिया, जो दस नंबरिया होगा वो क्या होगा, जोकर होगा। तो जोकर से याद रखो कि टेन। फिर उसके बाद के, भाई के क्या है याद रख लो आप आराम से। आप जिन जो क्रिकेट देखते हैं, किंग्स इलेवन पंजाब के कौन कौन फैन है भाई, किंग्स इलेवन पंजाब, के किस पे आता है, इलेवन पे, ठीक है। के किस पे आ गया, इलेवन पे। फिर उसके बाद एल, भाई ऐसे कितने हैं जो प्यार में डूबे आजकल, उनके लिए ही है, लव ट्वेल्व मंथ्स, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया M, M हो गया मिड वैल्यू, मिड वैल्यू क्या आएगी 13। टोटल कितने होते हैं लेटर्स, 26, मिड वैल्यू उसकी बीच की वैल्यू कितनी आएगी 13। N, N नॉटी किस एज में होते हैं भाई, 14 की एज में, हो सकता है 15 की एज में हो, बट आज से याद रखना नॉटी 14 की एज में, नॉटी कौन सी एज में, 14 की एज में। ओ भाई इसके लिए कोई पैटर्न नहीं बना मेरे पास, तो ओ हो गया, आई हो गया। अगर इसके लिए आपके पास कोई पैटर्न बना हो याद रखने के लिए, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। फिर ओ पी, ठीक है, अब पी आ गया आपके पास, प्रिटी, ठीक है, 16 की एज में, किस एज में प्रिटी है, 16 की एज में। भाई नॉटी आपका हो गया 12 की एज में, कहां था नॉटी 12 की, 14 की एज में था, प्रिटी आपका 16 की एज में, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया क्यू, क्वीन, क्वीन 17, याद रखो भाई 17 की एज में क्या है, क्वीन, 17 की एज में क्या है, क्वीन। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा याद रखने के लिए, एक बार याद हो गया तो मेरी तरह आपको फटाफट आना शुरू हो जाएगा। क्यू क्वीन 17, आर भाई रेडी टू वोट, वोट देने के लिए कब आप रेडी होते हैं, 18 की एज में, तो 18 पे क्या आ गया, आर, ठीक है। एस स्वीट 19, स्वीट कब होते हैं भाई, 19 के एज में, स्वीट 19, याद रखो इन चीजों को। आराम से आपका कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन होगा, आपको जरूरत नहीं होगी उन चीजों को लिखने की, बार बार आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, तो आप इजीली कर सकते हैं। टी, क्रिकेट के कितने फैन है भाई जो इस टाइम देख रहे हैं मुझे, टी ट्वेंटी मैच, टी किस पे आता है, 20 पे आता है, ठीक है। तो टी किस पे आता है, 20 पे आता है, ठीक है। यू, इसके लिए कोई पैटर्न नहीं है, 21, ठीक है। वी जो है एक इधर से एक इधर से, दो को मिलके बना है, तो 22 पे। डब्ल्यू याद रखो, अगर मैं डब्ल्यू को इस तरह से लिखूं तो कौन से नंबर पे आया, 23 पे आया, ठीक है। एक्स वाई जेड 24, 25, 26। तो ये मैंने बता दिया आपको, सबसे पहले मैंने F से स्टार्ट किया, F फिक्स 6, ठीक है। बाकी आप आराम आराम से देखो इसको और आप लर्न करो इसको, ताकि आपके पास कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आपका इजीली हो जाए, ठीक है। अब क्या है, कई बार क्या पूछते हैं कि इन चीजों का ऑर्डर दूसरी साइड से, देखो लेफ्ट साइड से तो मैंने बता दिया आपको कौन से नंबर पे क्या आता है, राइट से अगर पूछे आपसे तो आपने क्या करना है, मान लो राइट से आपको क्या पूछा, मान लो राइट से आपको पूछ लिया कि के कौन से नंबर पे आता है, राइट से के कौन से नंबर पे राइट से आता, लेफ्ट से तो ये होगा, ठीक है, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ लेफ्ट से। राइट से अगर पूछा हो तो क्या करना, आपने एक पैटर्न लगाना, 27 माइनस, देखो 27 माइनस कौन से नंबर पे था, लेफ्ट से 11 पे, तो 27 में से उसका राइट से जो ऑर्डर है उसको माइनस कर दो, तो कितने पे आएगा, 16 पे। तो अगर वो इधर से किस नंबर पे आ रहा है, 11 पे, उधर से कितने पे आएगा, 16 पे आएगा, आप काउंट कर देना आपको पता लग जाएगा।
अब देखो ओ कौन से नंबर पे है, 15 पे। अगर हम राइट से पूछे तो माइनस 15 कर दो, कितना आ गया 2 एंड 1, 12 पे। देखो गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है 10, 11, ठीक है। एक मिनट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो कौन से नंबर पे आ रहा है, 12 पे आ रहा है, ठीक है। तो आपने काउंट आराम से कर देना। तो ये आपके पास पैटर्न है किसके लिए, कोडिंग डिकोडिंग के लिए। अगर आप तैयारियां कर रहे हैं पेपर की तो आराम से इन चीजों को याद रखो। याद रखने से क्या होगा कि आपके पास इतना टाइम बचेगा पेपर में, आप इजीली उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बाकी मैं आपके लिए वीडियोस डालता रहूंगा इन चीजों की, रीजनिंग की, अलग अलग कोई डायरेक्शन से रिलेटेड है आपका, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग की डालूंगा, नंबर सीरीज की और डालूंगा। आप आराम से जो मैंने आपको करवाया है इतना कर दो, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी पसंद आया हो लास्ट में जो अभी करवाया आपको, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास जो भी मैं वीडियो डालूं आपके पास अपडेट आ जाए, ठीक है। तो